मुझे पक्का यकीन है, मैंने उसको आज फोन किया है ना, फिर भी जेठालाल लेट ही आने वाला है मीटिंग में, देखना तुम। ओ छेड़ना पिड़ू, ओ दो पाँच मिनट ऊपर थल्ले हो जाता है यार। अरे दो पाँच मिनट भी ऊपर थल्ले क्यों हो भाई सोड़े? हाँ बिल्कुल क्यों, नहीं नहीं आज मैं उसको सबक सिखाऊंगा ही, अगर आज जेठालाल टाइम पे नहीं आया ना मीटिंग में तो अगली बार मैं उसको बुलाऊंगा ही नहीं। नहीं बराबर है भाई, जीवन में हर चीज का एक वक्त होता है और उसी वक्त पे वो चीज होनी चाहिए, वरना उसका कोई फायदा नहीं। तो अभी तक आपके शादी क्यों नहीं हुई? जेठालाल तुम हो कमाल हो गया, और जेठा बना तो हम सबसे पहले मीटिंग में पहुंच गए। जेठालाल तो यही है, तू क्या कुछ भी मेरा मुझसे बुलवा रहा है, बेकार में ये भिड़े उकसा रहा है हम लोगों को। कमाल है जेठालाल, ये चमत्कार कैसे हो गया? चमत्कार का याचा चमत्कार कसला भाई, मैंने तुझे दोपहर को भी बोला था, आज फिर से बोल रहा हूँ, दिन के मैं सिर्फ एक या दो बार मीटिंग में लेट आया हूँ, बाकी टाइम पे ही आया हूँ। लेकिन पता नहीं तेरे दिमाग के ब्लैक बोर्ड में तूने ये कुविचार क्यों ऐसा घुटी घुटी ने लिख दिया है कि जेठालाल हमेशा लेट आता है। ओ प्रू, ये सच है? हाँ हाँ सच है, सोडी सच है, आज दोपहर को भी इसने मुझे दुकान में फोन किया था, एक मौका नहीं छोड़ता मुझे सुनाने का, उससे पेट नहीं भरा तो फिर टप्पू को पकड़ा, उसको भी ताने मारे इसने। जेठालाल मुझे कोई शौक नहीं है ताने मारने का, मैं तुम्हें हमेशा टाइम पे आने के लिए बोलता हूँ, तुम लेट आते हो ना इसलिए मैं बोलता हूँ। अरे लेकिन आज तो मीटिंग चालू भी नहीं हुई, उसके पहले तूने मान लिया कि मैं लेट आऊंगा। मैंने कब माना? देखो हड़ा हड़ झूठ बोल रहा है। अरे मैं यहाँ बैठा था, मैंने सब अपने कानों से सुना, तू सोटी और पोपटलाल को नहीं बोल रहा था कि देखना आज पे जेठालाल लेट ही आएगा, बोला कि नहीं सोटी? हाँ बोला था भी, बोला था। मैंने बोला तो था। हाँ वो तो सालों से अनुभव है इसलिए मैंने बोला भाई, पर एक बार जल्दी के आगे कितना सुना रहे हो तुम मुझे। देखा कोई सुनाता है तो कितना बुरा लगता है, जरा सोच इतने सालों से तू मुझे सुनाता आ रहा है, मुझे कितना बुरा लगता होगा। ओ कोई गल नहीं जेठा ब्रा, ओ शांत हो जाओ तुसी। मैं शांति हूँ छोटे, मैं इसकी बातों को इतना कुछ मन पे लेता नहीं हूँ, मैं तो उसी वक्त इसको माफ कर देता हूँ, मैं बहुत बड़े दिल वाला आदमी हूँ। भाई वो माफ कर देता हूँ मतलब, मैंने तुमसे कब माफी मांगी भाई? अरे शांत हो जाओ बड़े मास्टर, शांत हो जाओ। अरे लेकिन मैं क्यों शांत हो जाऊं? नहीं नहीं आते भाई, वो शांत नहीं होगा, वो बस छोटे मन का आदमी है, उसका कुड़कुड़ 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 चलता ही रहेगा अभी। ओ भाई वो कुड़कुड़ कुड़कुड़ करता रहेगा मतलब क्या है तुम्हारा? और जेठालाल एक बात ध्यान से सुन लो, सोसाइटी की मीटिंग में जल्दी आकर तुम मुझ पे कोई एहसान नहीं करते हो। तो मैंने कब कहा कि मैं एहसान कर रहा हूँ? मैंने ऐसा बोला छोटी? ना बिल्कुल भी नहीं। और भाई भिड़े तू भी है ना, एक बात कान खोल के सुन ले, ये सोसाइटी की जो मीटिंग है ना वो तेरा भिड़े ट्यूशन क्लास नहीं है, हम लोग तेरे विद्यार्थी नहीं है कि कोई दो पांच मिनट लेट है तो जो मर्जी में आए तो सुना सकता है। अरे अब मेरे ट्यूशन क्लासेस बीच में कहाँ से आ गए भाई? भाई तेरा बर्ताव वैसा ही है भाई, तू एक शिक्षक है, अरे क्या कर रहे हो तुम दोनों है? ये सब क्या है? अरे अब तक तो तुम लोग मीटिंग में बहस करते थे, आज मीटिंग से पहले ही शुरू कर दिया। नहीं मैं तो कुछ बोला ही नहीं हूँ बापूजी, मैं तो शांति से इधर बैठा था, कोई नहीं आया था बापूजी मीटिंग में, सबसे पहले मैं आके इधर बैठा था, ये आते ही चालू हो गया, सोटी और पोपटलाल को बोलने लगा, मैंने जेठालाल को बोला है कि टाइम पे आना, लेकिन देखना जेठालाल आज भी मीटिंग में लेट ही आएगा। बोलो कुछ नहीं चाचा जी, कभी ना होते मीटिंग में जेठालाल सबसे पहले आया ना तो सुना रहे कब से। अरे शांत हो जाओ तुम दोनों, शांत हो जाओ, शांति रखो। ए बिन्नी मास्टर तू मीटिंग चालू कर और सब लोग बैठ जाओ, बैठ जाओ।